हाँ तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट आगे स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स देखो कैसे दिए हुए हैं। सर्वाइकल, सर्वाइकल कितने हैं? 8। थोरैसिक कितने हैं? वहाँ थोरैसिस लिखा है, वो थोरैसिस नहीं है, थोरैसिक होता है, थोरैसिक गलत स्पेलिंग है, ठीक है, थोरैसिक होता है। कितने हैं? 12 है, तो T1 to T12। लंबार 5 होते हैं, L1 to L5। सेक्रल 5 होते हैं, S1 to S5। कॉक्सीजियल ओनली एक बनी होता है, ठीक है। उनके रीजन भी देखो, सर्वाइकल नेक में होगा, ऑब्वियसली सर्वाइक का मतलब ही नेक होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी है सर्वाइक्स। आप लोग का रिप्रोडक्शन चैप्टर हुआ है क्या? अदरवाइज हाँ सर चालू रिप्रोडक्शन चालू है अभी। है। हाँ सर। हाँ कौन पढ़ा रहे? कोई मैम? हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। हाँ तो आप देख सकते हो इनका रीजन भी याद रखो, सर्वाइकल नेक में होता है, ठीक है। थोरैसिक ऑब्वियसली थोरैक्स, लंबार एब्डोमेन, सेक्रल पेल्विस एंड ऑक्सीजियल कॉकिक्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व टोटल कितना? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर मिक्स नर्व। आपको पता है मिक्स क्यों है? क्योंकि दोनों फ्यूज हो जाते हैं, राइट, एंड दे प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द पार्ट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, नेक, ट्रंक, ठीक है। कुछ खास नहीं है, दिया नहीं है ये, डू यू नो, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, बट आपको फिर भी पढ़ना है। तो डेंटिस नर्व किसको बोलते हैं? ट्राइजमाइनल, ठीक है। कौन सी नर्व लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी किसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, एंड ऑल, ये सब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, बट अगर आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हो आप। ये 12 में से ओनली वेगस जो है पासेस इन द बॉडी एंड इनर्वेट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे सबसे बड़ी है एक्चुअली, ये वेगस बहुत नीचे तक जाती है, मतलब कहाँ अराइज होती है, वो ब्रेन में अराइज हुई है वेगस 10th, और ये हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाती है वेगस, ठीक है। वेगस देखो लिखा भी है, वेगस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस और लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी लंबी कोई नर्व नहीं होगी, ब्रेन से निकलती है और सारे ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट ऑर्गन्स को सप्लाई करती है ये। इसके अलावा 5th को हम ट्राइजमाइनल जो है उसको डेंटिस नर्व भी बोलते हैं, बिकॉज ज्यादातर डेंटिस लोगों का जो काम होता है वो इस नर्व से रिलेटेड होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है। लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट का मतलब होता है थिक, थिक है, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, समझ रहे? एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट तो वेगस है, तो काफी बड़ी है लेंथ में। लार्जेस्ट का मतलब है डायमीटर वाइज, हाँ डायमीटर वाइज जो है सबसे ज्यादा थिक, एक्चुअली इनको थिकेस्ट लिखना चाहिए था, तो ट्राइजमाइनल सबसे लार्जेस्ट है, कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व जो है एब्ड्यूसन, ठीक है। तो जीके हो गया एक तरह से। फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल स्पाइनल नर्व, वही टिपिकल कैसे बनता है मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर ये वेंट्रल एक जगह से डॉर्सल रूट से क्या आने वाला है? सेंसरी, और वेंट्रल रूट से क्या आने वाला है? मोटर, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फिर फाइनली वहाँ पे क्या बनता है? स्पाइनल नर्व। फिर स्पाइनल नर्व जैसे बनता है उसके बाद उसका 3 डिवीजन है, देखो आप, 3 डिवीजन, रेमस डॉर्सालिस, रेमस वेंट्रालिस एंड रेमस कम्युनिकेंस, ठीक है, नाम है सर, रेमस डॉर्सालिस। एक बार स्पाइनल नर्व बन जाए उसके बाद स्पाइनल नर्व 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डॉर्सालिस, इसका मतलब ही हमारे बॉडी के पीछे वाले हिस्से, डॉर्सल सरफेस को इनर्वेट करती है सेंसेशन, जो हमारा बैक है, बैक वाला एरिया है बॉडी का, वहां पर जाती है ये वाली नर्व, वहां पर सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। रेमस वेंट्रालिस, ये आगे की तरफ जो भी हिस्से हमारे उनको सेंसेशन एंड ऑल जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करती है। और रेमस कम्युनिकेंस, यहाँ पर एक सिंपथेटिक गैंग्लियन होता है उससे कनेक्टेड है, सिंपथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, एक सिंपथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या लिखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल स्पाइनल नर्व, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स टाइप, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। दे हैव सम नर्व फाइबर्स एज सेंसरी एंड सम मोटर। ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म इन साइड द न्यूरल कनाल, न्यूरल कनाल के अंदर अंदर ही बन जाती है। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा इतना, ये पूरा पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, ये जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अंदर ही हो जाता है। जैसे ही स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आती है नर्व, वो सिंगल ही दिखती है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर कि हाँ, आई होप क्लियर है वैसे तो, बट फिर
भी मैं बता रहा हूँ कि जब ये जो कंबाइन हो रहा है दोनों, इसके मोटर और सेंसरी वाले पार्ट जब कंबाइन हो रहे हैं, वो अंदर ही हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अंदर ही होता है। जैसे ही नर्व वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आएगी, वो आपको एक ही निकलती हुई दिखेगी, मतलब आपको सिंगल दिखेगी, ठीक है। तो जो भी हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, यानी सेंट्रल कनाल या न्यूरल कनाल के अंदर, सेंट्रल कनाल सॉरी न्यूरल कनाल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म इनसाइड द न्यूरल कनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बाय टू रूट्स, दैट इज द पोस्टीरियर और द डॉर्सल सेंसरी रूट, पूरा लिखा है उन्होंने, एंटीरियर और वेंट्रल मोटर रूट, मोटर भी लिखना चाहिए था, फिर मोटर क्यों लिखा, ठीक है। एंटीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी, एंटीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी नर्व फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, है ना। एंटीरियर, एंटीरियर वाला जो एंटीरियर मतलब वेंट्रल, है ना। तो वेंट्रल जो है वो किससे कनेक्टेड है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, एक मिनट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से नहीं कनेक्टेड है, जस्ट अ मिनट, क्या लिखा है इन्होंने, एक मिनट को, एंटीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी नर्व फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, पागल हो गए क्या, इन्होंने क्या लिखा है, एंटीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी नर्व, ये इन्होंने गलती से मेरे को लगता है लिखा है, पोस्टीरियर रूट होना चाहिए, वो पोस्टीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी नर्व है, क्योंकि पोस्टीरियर इज डॉर्सल और डॉर्सल ही जो है वो सेंसरी होता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्शन है, पोस्टीरियर रूट रिसीव्स द सेंसरी नर्व फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वाइल द एंटीरियर, एंटीरियर और वेंट्रल रूट गिव्स आउट द मोटर नर्व। हाँ करेक्शन है, वो एंटीरियर को प्लीज पोस्टीरियर कर देना, ठीक है ना, समझ में आया। Yes. दो बार एंटीरियर कैसे हो सकता है, उन्होंने एंटीरियर मोटर नर्व भी बोल दिया, एंटीरियर में भी सेंसरी बोल दिया, वो जहां पर एंटीरियर लिखा है कैपिटल में वो पोस्टीरियर है, वो पोस्टीरियर की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डॉर्सल सेंसरी, डॉर्सल सेंसरी एंड द वेंट्रल मोटर, डॉर्सल सेंसरी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डॉर्सल वाला हिस्सा सेंसरी है, वेंट्रल वाला हिस्सा मोटर है, बार बार इसलिए रिपीट करते जा रहा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। Dorsal sensory and ventral motor nerve come together. Nerve together form the mixed spinal nerve. It emerges out from both the side of the spinal cord through intervertebral foramen. Logic से बात है, देखो vertebral foramen मैं आपको दिखा रहा हूँ। Hypothetical ना, देखो यहाँ पे diagram में बना रहा हूँ। समझो ये क्या vertebrae है? ये दूसरा vertebrae है? या मैं back से बता रहा हूँ कैसा vertebrae है? Vertebrae के जो बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ से actually nerve बाहर आती है। देखो मैं दूसरे color से draw करता हूँ। समझ आया, रिलेट कर पा रहे हो मैंने क्या ड्रॉ किया है? तो दो वर्टिब्रे के बीच में एक ओपनिंग होती है, दो वर्टिब्रे के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। बहुत लॉजिकल है, इंटर वर्टिब्रल, दो वर्टिब्रे के बीच में, फोरामेन मींस ओपनिंग, उसके थ्रू स्पाइनल नर्व बाहर आती है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो इट इमर्जेस आउट फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एज सून एज इट इमर्जेस, मैंने आपको बोला जैसे ही बाहर आती है तीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, एज सून एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इट शोस थ्री ब्रांचेस, दैट इज रैमस डोर्सालिस फ्रॉम स्किन, From skin and to the muscle of dorsal side, ठीक है, ramus dorsalis किसको कनेक्ट करता है, skin and to the muscles of dorsal side. Actually from लिखा है इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी लिखा आप इतना समझो कि dorsal वाला हिस्सा किससे related है, skin and muscles of the dorsal side. हमारे जो dorsal side पीछे की तरफ जितने भी skin वाला हिस्सा है और जो पीछे की तरफ muscles है, वहां पर जो भी nerve जा रही है वो कौन सी है, ramus dorsalis. Spinal nerve का कौन सा हिस्सा जाता है, ramus dorsalis, ramus ventralis. आप clear कर देख सकते हो, obviously आप ही सोचो vertebral column पीछे है, vertebral column already पीछे है, तो उससे जो spinal cord, sorry vertebral column पीछे है, वहां से जो spinal nerve निकलेगी, spinal nerve जो बाहर निकलेगी, अब आप सोचो कि इसमें तीन division हो रहे, एक ramus dorsalis, एक ramus ventralis,
ठीक है, रेमस कम्युनिकेंस फिलहाल भूल जाओ, रेमस डोर्सालिस और रेमस वेंट्रालिस, कोई लॉजिकली बताओ कि कौन सा हिस्सा बड़ा होना चाहिए, वेंट्रालिस के डोर्सालिस? वेंट्रालिस है ना, ये बहुत लॉजिकल है ना, क्योंकि ऑलरेडी वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, स्पाइनल नर्व पीछे है और उसको पीछे सप्लाई करना है, मतलब रेमस डोर्सालिस जो है उसको पीछे सप्लाई करना है, तो उसको तो थोड़ा सा ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो तो शॉर्ट ब्रांच होगी, और वेंट्रालिस को उसको आगे की तरफ ट्रैवल करना है तो वो बड़ा होगा, इसीलिए लार्जेस्ट ऑफ थ्री, तीनों में से बड़ा कौन है, वेंट्रालिस, बहुत लॉजिकल है, द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री सप्लाईज द ऑर्गन एंड द मसल्स ऑन द लैटरल एंड द एंटीरियर साइड, मतलब आगे वाले हिस्से भी और लैटरल वाले हिस्से में भी जो भी ऑर्गन्स है, जो भी मसल्स है, उन सबको स्किन एंड ऑल जो भी है सबको प्रोवाइड, जो भी सेंसेशन, जो भी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व का काम है वो सब वेंट्रालिस के हाथ में है, रेमस वेंट्रालिस करता है, रेमस वेंट्रालिस के थ्रू है, ठीक है। रेमस कम्युनिकेंस, रेमस कम्युनिकेंस देखो एकदम जैसे आया वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से बाहर आया, ये स्पाइनल नर्व निकला और तुरंत वो किसके अंदर गया, रेमस कम्युनिकेंस बना, और किससे कनेक्टेड है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कनेक्टेड, तो सबसे स्मॉलेस्ट है एक्चुअली, सबसे स्मॉलेस्ट, तो द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंड गिवन आउट फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक अप टू थर्ड लंबर, मतलब ये सब जगह नहीं है, ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ये कहाँ कहाँ पर है, ये फर्स्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर तक है, सब जगह पर आपको रेमस कम्युनिकेंस नहीं दिखेगी, मतलब ज्यादातर नर्व, स्पाइनल नर्व जो है वो दो पार्ट में ही ब्रेक होने वाली है, रेमस डोर्सालिस, रेमस वेंट्रालिस, सिर्फ T1 से लेके यानी फर्स्ट थोरेसिक से लेके L3 यानी थर्ड लंबर में रेमस कम्युनिकेंस भी दिखेंगे, रेमस कम्युनिकेंस भी दिखने वाले, और इट जॉइंस द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इट जॉइंस द सिंपैथेटिक गैंग्लियन, क्लियर है, ज्यादा डिटेल में जाने, ये सब क्या होता है इससे, वो सब आपको हायर स्टडीज में दिखेंगे मिलेंगे, अभी के लिए सब आपको जितना पढ़ाया उतना ही याद रखना ऊपर ऊपर से, हाँ रेमस डोर्सालिस का काम क्या है, वो पीछे की तरफ जाने वाली डोर्सल है, स्किन एंड मसल्स ऑफ द बैक को सप्लाई करेगी, वेंट्रलिस क्या करने वाली है, वो आगे वेंट्रल और लैटरल वाले हिस्से को सप्लाई करने वाली है, वेंट्रल और लैटरल में क्या है, ज्यादातर ऑर्गन्स है, मसल्स है, स्किन है, उनको सप्लाई करती है, कम्युनिकेंस किसको कनेक्ट करने वाला है, कम्युनिकेंस किसको कनेक्ट करने वाला है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो एकदम जस्ट उसके बाजू में, बट वो सब जगह पर नहीं है, वो सिर्फ T1 से लेके L3 तक है, समझ में आया, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या है सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को दिमाग में आएगा ही क्यूरियोसिटी कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या है, वो एक्चुअली सिंपैथेटिक गैंग्लियन वही उसी से रिलेटेड है कि हमारी हार्ट, मैंने आपको बताया था ना सिंपैथेटिक गैंग्लियन एक्चुअली ANS का पार्ट है, और जो स्पाइनल नर्व बाहर आ रही है, जो स्पाइनल नर्व बाहर आ रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो रही है वहां पर सिंपैथेटिक गैंग्लियन, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए बहुत अभी इस लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इनफैक्ट मैं जब था 12th स्टैंडर्ड में तो मैं भी पूरे टाइम यही सोचते रहता था कि ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है क्या, अभी आपको समझाने जाऊंगा आपके दिमाग में नहीं जाने वाला है, एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है ना उसके अंदर सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, तो जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है ना वो एक्चुअली जस्ट स्पाइनल नर्व जैसी बाहर आती है ना उसके बाजू में होता है, जबकि पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होता है ना वो ऑर्गन के नजदीक होता है, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो सॉरी ठीक है एक मिनट रुको, हाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होता है, समझो ये ऑर्गन है, हार्ट है, समझो ये, कोशिश करता हूँ समझाने, अगर समझा तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब हमारे हार्ट जो होते हैं, हार्ट के पास दो, हमें पता है कि हम जब भाग रहे होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ हार्ट एकदम हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो वो जो हार्ट बीट फास्ट है वो हार्ट बीट को फास्ट करना सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है, फिर उसी हार्ट बीट को वापस नॉर्मल करना पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का काम है, तो क्या होता है ना, तो ये जो इसके लिए भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस चाहिए फास्ट करना, तो जो सिंपैथेटिक होता है, अभी सिंपैथेटिक का जो गैंग्लियन होता है वो ऐसे समझो यहाँ पर स्पाइनल नर्व है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये यहाँ से स्पाइनल नर्व बाहर आई है, तो क्या होता है ना उसका जो गैंग्लियन होता है वो जस्ट बाजू में होता है, फिर उसके बाद एक और नर्व आएगी, हो जाएगी हार्ट को, सिमिलरली पैरासिंपैथेटिक कैसा होता है भी ध्यान देना, ये रहा पैरासिंपैथेटिक का गैंग्लियन, ऑर्गन के जस्ट बाजू में होता है, ऑर्गन के जस्ट बाजू में होता है, और ये रही पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, और ये भी कनेक्टेड होती है ऊपर
पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम से। अब कहाँ कनेक्टेड होती है वो अभी फिलहाल आपके लेवल के बाहर है, क्रेनियोसेक्रल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, उतना नहीं जाता है। तो आप इतना समझो कि जो पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन होता है वो हमेशा ऑर्गन के नजदीक होता है, सिंपेथेटिक गैंग्लियन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक होता है। और इसी तरह से क्या होता है, जो ये जो नर्व दिख रही है आपको सिंपेथेटिक के अंदर ब्लू कलर की, जो गैंग्लियन के पहले है, ये इतनी वाली जो मैं येलो से अभी सर्कल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपेथेटिक नर्व। प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन के पहले। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो होती है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व वो किसकी छोटी होती है, सिंपेथेटिक की पैरासिंपेथेटिक की? बहुत लॉजिकल है, सिंपेथेटिक की। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है, पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन के बाद वाली, वो बड़ी है क्योंकि गैंग्लियन बहुत नजदीक था किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। जबकि पैरासिंपेथेटिक ऐसा है कि पैरासिंपेथेटिक के अंदर ऐसा है उसकी जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है या प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपेथेटिक नर्व है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका जो गैंग्लियन है वो ऑर्गन के नजदीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिंपेथेटिक नर्व, वो शॉर्ट है। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? हाँ सर। बट ये बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब और आप डिटेल में समझोगे। आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना सीएनएस और पीएनएस ये सब इतना सिंपल नहीं है, ये सब आपस में एकदम उलझे हुए, सब आपस में कनेक्टेड है। कौन सी नर्व किससे कनेक्टेड होगी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो पता चलेगा। अभी तो बहुत ऐसे सिंपली बता दिया, फर्स्ट नर्व यहाँ से आ रही है, सेकंड नर्व यहाँ से आ रही है और ये स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलती है, बट ये सब आपस में जुड़ भी जाती है। फर्स्ट वाली किसी और से कनेक्टेड है, थर्ड वाली किसी और नर्व से कनेक्टेड है, फिर वो कनेक्टेड होने के बाद किसी ऑर्गन को सप्लाई करती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मुझे भी अभी पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सी नर्व है, कैसे सप्लाई होती है, मुझे भी अभी याद करना है अभी तक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लिटरली, बट आपके लेवल पे इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी प्री गैंग्लियोनिक किसकी छोटी है, पोस्ट गैंग्लियोनिक किसकी छोटी है, वो सब पता होना चाहिए। तो मैंने बता दिया, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, बढ़ते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा था, यहाँ तक ये हो गए तीन हिस्से, रैमस कम्युनिकेंस भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन यहाँ पर अच्छा दिया, ये चार्ट ही अच्छा दिया मेरे ख्याल से, यही पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है एक्चुअली। अनकंडीशनल सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यहाँ पर वही वर्ड्स लिखे हुए, सडन अचानक से, स्पॉन्टेनियस वो भी अचानक से, ऑटोमेटिक वापस वही वर्ड हो गया। हालांकि सबके अलग अलग मतलब होते होंगे बट ठीक है ना, हम ऑलमोस्ट रिलेट कर सकते हैं, सब सिनोनिमस है। सडन मतलब एकदम से फास्ट, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, टू अ सर्टेन स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आ रहा है और आप अचानक से रिएक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैं बोलते रहा हूँ कि अगर समझो अगर आप कहीं पे खड़े और आपके सामने अचानक से कोई बाइक या कोई साइकिल आ जाए, आप तुरंत एकदम फटाक से वहां से हट जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं, आप फटाक से हट जाओगे। या फिर सबसे बेस्ट आपको बताता हूँ, आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा व्हाट्सएप, या फिर व्हाट्सएप आप जो अभी चैट करते हो, आपको पता है कौन सा लेटर कहाँ है? मैं अभी अगर आपको पूछूं ए के बाद कौन सा लेटर, पता है क्या आप लोगों को? नहीं सर। हाँ, बट टाइप करते वक्त कैसे फटाफट टाइप हो जाता है, पता है ना? हाँ हाँ, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन, वो रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर एक और चीज बता सकता हूँ, समझो आपके जो मोबाइल में आइकन्स है, आइकन्स आपने समझो व्हाट्सएप या कोई भी एक आइकन है, वो यहाँ पर एक जगह फिक्स कर रखा है, वो फिक्स कर रखा है, ठीक है? अब आप क्या करो, उन आइकन्स को ना पलट दो, व्हाट्सएप वाले आइकन को या जो भी आइकन है उसको कहीं और लेके चले जाओ, उसकी जगह किसी और को लाके, समझो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि समझो जहाँ पर आपका व्हाट्सएप का आइकन है वहाँ आप गैलरी को सेट कर दो, और समझो आपके दिमाग में जब आप दूसरी बार वापस आपका व्हाट्सएप खोलने का ध्यान आएगा ना, तो आप जब खोलने जाओगे ना तो आपका हाथ वहीं जाएगा जहाँ पर पहले व्हाट्सएप था, आप गलती से गैलरी ओपन कर दोगे। ऐसा भी हुआ होगा? हाँ सर। यस सर। दिस इज रिफ्लेक्स सेक्शन, इसको रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं, ये रिफ्लेक्स सेक्शन है। हमारे कंट्रोल में कहाँ है? अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम, हाँ जब पर आपको होश आएगा कि नहीं नहीं हाँ मैंने व्हाट्सएप को कहीं और भेजा था, उसका आइकन कहीं और है, तब आपको होश आएगा, तो फिर वो रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है, फिर वो आपका ब्रेन सोच रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। बट अगर जब तक आप नॉर्मली आप अगर करने जाओगे ना, तो आपका हाथ वहीं जाने वाला है, मैं गारंटी कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन।
आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आपके पास कोई फोन नया नया आता है तो उससे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मेरे कहने का मतलब है अभी आपके पास जो करंटली फोन है, काफी टाइम से आपके पास फोन है, उस फोन को आप आराम से सब कुछ चला पाओगे, ये ऐसे ऐसे फटाफट फट, पर अगर वही कोई नया फोन आएगा तो उसको आपको सीखने में टाइम लगेगी, या फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है ऑपरेट, उतना उतनी स्पीड से आप कोई काम नहीं कर पा रहे, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी की, इसीलिए लिखा है ना रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में, सब स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल। क्या तो सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इनफैक्ट ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने किया था, एक साइंटिस्ट ने इसको किया था, उन्होंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ, काफी अच्छी स्टोरी है इसको लेके। डॉग के ऊपर किया था उसने एक्सपेरिमेंट, डॉग के ऊपर, अगर किसी ने सुनी होगी तो पता नहीं मुझे, बट डॉग के ऊपर की थी बेंटन, पता नहीं कोई साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने क्या किया था कि वो है ना एक डॉग, एक डॉगी को खाना देते, तो रोज क्या करते हैं वो खाना उसके सामने रखते थे डॉगी के, उस खाना देने से पहले ना वो एक बेल बजाते थे, बेल बजाते थे और फिर उसको खाना देते थे, रोज ऐसे ही करते थे, रोज बेल बजाते थे पहले फिर खाना देते थे, रोज बेल बजाते थे फिर खाना देते थे, ऐसे करते 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 कम से कम उन्होंने 2 महीने ऐसे किया, 2 महीने तक ऐसा किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने क्या नोटिस किया, जब खाना ऑब्वियसली अगर खाना डॉगी जो है वो अगर खाना देखेगा तो उसको सलाइवेशन आने वाला है, वो सब क्या नॉर्मल है सलाइवेशन, ठीक है वो रिफ्लेक्स है, मतलब ये हमारे बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो उन्होंने बात लास्ट में क्या किया, लास्ट में एट द एंड, मुझे स्टोरी एकदम एग्जैक्टली नहीं पता बट थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, उन्होंने लास्ट में क्या किया, सिर्फ बेल बजाया, खाना दिया ही नहीं, सिर्फ बेल बजाया, फिर भी डॉग जो है उसके मुंह से सलाइवेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्ट हो गई है, किससे? बेल से। तब खाना नहीं दिया है बट बेल बजाया ना, तो डॉग की बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ खाना है इसीलिए सलाइवेशन हुआ। ये तो हमारे साथ भी होता है, हमें पता नहीं कौन सा लेटर कहाँ है बट हम टाइप कर लेते हैं परफेक्टली। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अभी रिफ्लेक्स एक्शन भी देख सकते हो आप यहाँ पर, अगले क्लास में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। एक होता है अनकंडीशनल, दूसरा होता है कंडीशनल, कंडीशनल रिफ्लेक्स है, ये रहा स्टोरी पेवलोव, देखो लिया भी है यहाँ पर दिया ना, these were first studied by E. Pavlov on salivation in dog at the sight and the sound of the bell. Pavlov karke the, unhone ye kiya tha sabse pehle, conditional reflex. To jitni bhi cheeze aapko sports se related question aayega na exam mein, sports se related, swimming, dancing, sports matlab extracurricular activity, swimming, dancing, cricket khelna, theek hai, cycling, ye sab ke sab conditional reflexes hai. कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब है ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, या प्रैक्टिस से सीखे हो, कोई बाय बॉर्न ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसी डायरेक्ट बोल दोगे उसने बचपन में कभी किया नहीं और बोलेगा कि जा तू बाइक चलाना, बाइक चला, नहीं चला पाएगा ऑब्वियसली, सीखा ही नहीं है यार। तो हर वो चीज, वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसको प्रैक्टिस लगती है, जिसको प्रैक्टिस लगती है, दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स, नाम ही कंडीशनल है, कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस करो। वो जो अनकंडीशनल है, जिसको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, प्राय कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, दैट इज अनकंडीशनल, जो कि यॉनिंग एंड ऑल, देख सकते हो अनकंडीशनल में लिखा है स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, हिकपिंग। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है चलो, बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक मिनट, कितना चैप्टर बचा है अभी? ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक्चुअली, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन है, वो अलग चैप्टर है एक्चुअली, वो हार्मोन से, हालांकि दोनों को जोड़ा हुआ है बट एक्चुअली वो डिफरेंट है, मतलब वो हार्मोन से रिलेटेड बातें आएगी फिर यहाँ पर, काफी चैप्टर बड़ा है अभी भी, टाइम लग जाएगी, बहुत बड़ा है, बाप रे। ठीक है, और मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कौन से चैप्टर बाकी है कि मैं डिसाइड कर सकूं, मेरे को तो इसको ही लेके बहुत टाइम लगने वाली है, बट फिर भी अगर हो जाए तो कोई और चैप्टर लेना हो, कौन सा बाकी है इसमें से?
ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल रिलेशन। जी भी तो चैप्टर बचा। बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये सब तो इकोसिस्टम सब अच्छे चैप्टर में से नहीं है सब, ठीक है, बट लेने तो होंगे, पढ़ने आप लोगों को भी है। ठीक है ठीक है, चलेगा, देखते हैं कोई और चैप्टर। प्लांट वाटर रिलेशन, इसके बाद क्या है, प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन, हाँ फोटोसिंथेसिस एंड ये सब तो आपके 11th में चला गया था, इसलिए नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में होता था ये। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी हो गया। हाँ सर, हाँ सर। रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स, आप रे 18 to 48, इतना क्या दिया है इन्होंने, एक मिनट। BBS डाल दिया क्या, TS of ovary, paraffin follicle, mammary gland, menstrual cycle, gametogenesis, ठीक है। मेन इन्होंने ना इम्प्लांटेशन के बाद बहुत डिटेल में दिया होगा, गारंटी। ब्लास्टुलेशन भी है, पागल लोगों ने इतने लेवल पर इम्प्लांटेशन, ग्रास्टुलेशन भी दे दिया, ऑर्गेनोजेनेसिस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, प्लासेंटा, पार्चुरेशन भी दिया है, लोग पागल हो गए, पार्चुरेशन भी डिटेल में दे दिया। कौन पढ़ा रहा है ये चैप्टर आपको? पूर्वा मैम। डॉक्टर है मैम? नहीं वो पता नहीं सर, नहीं है। नहीं जो भी है, मतलब क्या है उनका प्रोफेशन, क्या है वैसे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। टीचर या प्रोफेसर शायद। अच्छा अच्छा, तो फिर बायोलॉजी के एक्सपीरियंस टीचर में से एक होंगे तभी, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। हाँ सर, एक डाउट था। एमयू सेंटेंसेस बोलो, जल्दी बोलो। सर अगर कोई फीमेल कोमा में हो तो वो मेंस्ट्रुएट करेगी क्या? कोमा में मेंस्ट्रुएशन डिपेंड करता है। कोमा में देखो, मोस्टली कोमा तो नॉर्मली इसमें हार्मोनल हिस्सा मोस्टली चांसेस, आपका क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से पार्ट में इंजरी है, ब्रेन के कौन से पार्ट में इंजरी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है वो रिलेटेड है हार्मोनल से, यानी हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस, क्योंकि मेन जो हार्मोन है सबसे पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भेजता है मैसेज, पिट्यूटरी फिर वो फाइनली यूट्रस और ओवरी तक वो मैसेज जाता है। तो कोमा एक तरह से, तो अभी डिपेंड करता है कि उनको लगा कहाँ है एक्चुअली। कोमा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अगर हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में या ब्रेन का कुछ मेजर हिस्सा जो है वो खराब हो चुका है मोस्टली नहीं मेंस्ट्रुएट करेगी, और अगर हाइपोथैलेमस अभी भी एक्टिव है तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन तो होगा। आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, कुछ ऐसा है क्या, किसी कहीं देखा आपने कुछ ऐसा, क्या ऐसे ही दिमाग में आया? बोलो। ऐसे ही डाउट। ओके ओके, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड करता है ब्रेन में इंजरी कहाँ हुई है, ब्रेन में इंजरी कहाँ हुई है डिपेंड करता है, बहुत कुछ है। वैसे तो कोमा एक तरह से ऐसा हो गया कि जिसमें ऑलमोस्ट तो बॉडी के ऑर्गन्स फिजिकली काम नहीं करते, मतलब अंदर तो काम करते तभी तो वो बंदा जिंदा है कोमा में है, बट अंदर के ऑर्गन्स ऑब्वियसली, उसका हार्ट काम कर रहा होगा, रेस्पिरेशन वो करता है, ठीक है, तो ऑर्गन्स कुछ हद तक काम करते हैं, डिपेंड करता है कहाँ लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हार्मोनल कंट्रोल, आपको ये सब है वैसे भी अभी डिटेल में, अभी जब ये चैप्टर आगे जाएगा ना तो हार्मोनल वाला चैप्टर भी इसी के साथ कंटिन्यूएशन है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत सही चीज़।
ठीक है, और वो थोड़ा बहुत इस वाले चैप्टर से भी लिंक्ड है, मतलब ये जो रिप्रोडक्शन दिया है बहुत डिटेल में दिया आप लोगों को, इनफर्टिलिटी दिया है, ZIFT दिया है, ठीक है, ZIFT ठीक है, बट MTP एक्ट भी दे रखा है इन्होंने, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए, बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया, पर ठीक है आप लोगों के काम ही आने वाले हैं आगे, ठीक है अगले क्लास में मिलते हैं, बाय सर। वो रिकॉर्डिंग के बारे बोलो, वो पूछना पड़ेगा मुझे निखिल से, रिकॉर्ड यहाँ पर कोई है जिनको पता है कि सॉलिड स्टेट रिकॉर्ड हुआ था क्या जो प्रेजेंट है? निखिल सर रिकॉर्ड हुआ था बट उसका लिंक आया नहीं है ग्रुप पे। अच्छा रिकॉर्ड तो हुआ था ना, बट वो ठीक है तो फिर वो तो मिल जाएगा। निखिल आप हो क्या अभी फिलहाल, सुन रहे हो मुझे? शायद निखिल रिकॉर्ड करके, मैं निखिल से पूछ लूंगा, ठीक है मैं पूछता हूँ। ओके सर ठीक है, रिकॉर्ड हुआ ना तो फिर तो मिल ही जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बट मोस्टली क्लास मिस मत करो, अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ सर, बाय। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय।